सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट कोडर्स। यह हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की 13th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने वाइल लूप कवर करा था और आज हम करेंगे जो आगे के हमारी जंप स्टेटमेंट्स हैं उनको समझेंगे। सो जंप स्टेटमेंट के अंदर हमारी दो स्टेटमेंट आती है पाइथन में, एक ब्रेक और कंटिन्यू। सो ये दोनों क्या काम करती है और कैसे काम करती है वो सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू आखिर होता क्या है। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक कीवर्ड। सो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है और आखिर हम इसे क्यों यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये सब हम समझते हैं। सो ब्रेक कीवर्ड को हम मोस्टली लूप के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर। और जब भी हमारा ब्रेक कीवर्ड लूप के अंदर यूज़ किया जाता है, सो जैसे ही हमारा ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो है वो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और लूप टर्मिनेट होगा यानी कि अब लूप जो है फिर से आइटरेट नहीं करेगा, यानी कि फिर से वो नहीं चलेगा। अब लूप का जो टर्मिनेशन हो चुका है अब, सो जो लूप लूप के बाहर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं ब्रेक कीवर्ड का एग्जाम्पल। आपको याद होगा कि हमने कल वाइल लूप समझा था और हमने ये वाला प्रोग्राम जो है वो एग्जांपल देखा था। सो हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे थे कि यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे थे और अगर हमारे यूज़र जो है वो एग्ज़िट डालता है हमारे प्रोग्राम में, सो हमारा लूप बंद हो जाता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन को कर देते हैं फॉल्स, जिससे कि हमारी ये वाली कंडीशन हो जाती है फॉल्स और वाइल लूप का एग्जीक्यूशन हो जाता है बंद। और अगर यूज़र ने कुछ और डाला है एग्ज़िट के अलावा, सो वो हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट। और जब लूप ख़त्म होगा तो बाद में हमारा लूप मतलब ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। सो मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को। सो मैं डाटा डालता हूँ, कुछ भी आप डाल सकते हो, 1 2 3। अब मैं लिखूँगा एग्जिट और मैंने एंटर प्रेस करा। सो हमारा जो लूप है वो एंड हो चुका है और वाइल लूप एंड यहाँ पे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लिखी आ चुकी है। अब ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हम क्या करते हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए। सो जहाँ पे हम ये ब्रेक यानी कि कंडीशन को कर रहे हैं फॉल्स, यहाँ पे अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हमारी इफ़ कंडीशन मतलब यहाँ जैसे ही डाटा जो है वो एग्जिट के इक्वल होता है तो हमारा ब्रेक ये चलेगा और हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा और बाकी का जो हमारा बाकी की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। अब इस केस में क्या है कि हमें कंडीशन वेरिएबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम किसी वेरिएबल को चेंज ही नहीं कर रहे। सो हम इसे भी डिलीट कर सकते हैं और कंडीशन की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू। तो क्या होगा, हमारा जो लूप है वो ट्रू रहेगा तो वो हमेशा चलता रहेगा, पर जैसे ही हमारा यूज़र एग्जिट लिखता है इनपुट में वैसे ही हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। और हमें फिर एक्स्ट्रा कुछ जो हमें यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ा और वेरिएबल में चेंज करना पड़ा, ये सारी जो लाइंस है हमें नहीं लिखनी पड़ेगी। सो एक ही लाइन में एक ही वर्ड से हमारा जो है काम चल जाएगा इसमें। सेव करता हूँ मैं प्रोग्राम को और रन करा। यहाँ पे मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला और जैसे ही मैं एग्जिट डाल के एंटर करूँगा हमारा लूप हो चुका है एंड। ओके, सो ये काम होता है ब्रेक कीवर्ड का कि जब भी हमें अपने लूप को यानी कि टर्मिनेट करना हो तब हम अपने लूप में करते हैं ब्रेक कीवर्ड का यूज़। ओके, सो सेकंड जो हमारा कीवर्ड आ जाता है वो आ जाता है कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड भी हम लूप के अंदर ही यूज़ करते हैं। और कंटिन्यू कीवर्ड क्या करेगा कि हमारे जो लूप चल रहा है उसको सिर्फ उस पार्ट में स्किप कर देगा, यानी कि जैसे ही हमारा कंटिन्यू कीवर्ड मिलेगा सो हमारा लूप जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करके दूसरी बारी चलना स्टार्ट कर देगा। सो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा। ओके, सो एक फॉर लूप लेते हैं। सबसे पहले लिखा फॉर कीवर्ड, देन आई वेरिएबल नेम इन और फिर लगाया रेंज फंक्शन। मैं इसको चला रहा हूँ 0 से लेके
टेन तक कॉलन लगाया। सो इंडेंटेशन के साथ हम अपना यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कि हमें करना है प्रिंट आई को। प्रोग्राम रन करते हैं, अब देखो कि हमारा 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है वो प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा नंबर जो है वो कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर हमारा नंबर जो है वो 5 के इक्वल है सपोज करो, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रिंट ना हो। तो मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन के अंदर लिख दूंगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करेगा कि हमारा लूप चलेगा स्टार्टिंग से। सो 0 1 2, सो 0 आएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंटिन्यू नहीं एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कीवर्ड चलेगा तो 0 जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 1 2 3 4, 4 तक हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही 5 आएगा तो 5 में ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू क्या करेगा कि अब जो है वो इस लूप को कर देगा स्किप, यानी कि सिर्फ इस आइट्रेशन को स्किप कर देगा, यानी कि इसके बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर से वो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो 5 थी अब 6 हो जाएगी, 6 होगी वैल्यू, अब हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आगे चल जाएगी। इस प्रोग्राम को करते हैं सेव। सो देखो 0 1 2 3 4, अब 5 जो था वो हमारा स्किप हो चुका है और बाकी के जो नंबर्स थे वो हमारे प्रिंट हो गए। अब ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस आता है, तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक को भी मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू की जगह लिख देते हैं ब्रेक। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सो जैसी आई हमारा 5 के इक्वल होगा यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो 0 से लेके 4 तक ये हमारे नंबर प्रिंट हुए हैं। सो ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है कि ब्रेक जो है हमारे लूप को पूरा टर्मिनेट कर देता है, यानी कि जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और हमारा लूप जो है वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। सो अब जो बाकी हमारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे की कंटिन्यू कीवर्ड लिखते हैं, सो क्या करता है, जैसे ही हमारी कंडीशन होगी ट्रू कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो एक ही पार्ट है यानी कि सिर्फ ये नीचे का पार्ट अभी स्किप हो जाएगा और हमारा लूप फिर से नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ निकल पाएगा और जो हमारा नेक्स्ट यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 6 हो जाएगी और वो 6 के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन ब्रेक में क्या होता है कि हमारा लूप जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है सो लूप पूरा बंद हो जाता है और हमारा नीचे का जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। सो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, लूप को कर देता है टर्मिनेट, और कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, हमारे लूप को सिर्फ स्किप करता है सिर्फ एक पार्ट के लिए। सो ये होता है इन दोनों का मेन डिफरेंस। सो आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू जो है वो समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।